Today, we'll be covering the topic for economics, which is balance of payment. All right, so balance of payment, the unit has been divided into two chapters, the first one being foreign exchange rate. So today, we'll be covering this unit. All right, so see, foreign exchange. What do you mean by foreign exchange? ठीक है, पता होना चाहिए हमें कि चैप्टर का नाम का मतलब क्या है, राइट? सो फॉरेन एक्सचेंज इज एनी करेंसी, राइट? एनी करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी. जैसे हमारी डोमेस्टिक करेंसी इज रुपी, सो एनी अदर करेंसी जैसे डॉलर हो गई, यूरो हो गई, पाउंड्स हो गई, ऑल दैट इज अंडर फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज बोलो या फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी सुन के हम थोड़ा ज़्यादा समझ पाते, इसलिए यू कैन से दैट फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी. ऑल राइट, सेकेंड इज व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट. हमें पता चल गया फॉरेन एक्सचेंज क्या है, अब हम पता करेंगे कि ये फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है व्हाट इज दिस. ठीक है, सो फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी विद रिस्पेक्ट टू अनदर. मतलब हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो चीज़ है. जैसे एग्जांपल लेते हैं, वन डॉलर इक्वल टू 50 रुपीज़. तो हम डॉलर्स को यहाँ पे रुपीज़ के पॉइंट में एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए इसको फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं. ऐसे ले लिए वन डॉलर इक्वल टू 50 रुपीज़. सेम चीज़ को हम लिख सकते हैं वन रुपी इक्वल टू 1/50 डॉलर. तो हमें पता होना चाहिए, मतलब अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द अदर करेंसी. ऑल राइट, तो हमें क्लियर हो गया कि चैप्टर जो हमारा नाम है चैप्टर का, वो चीज़ कह क्या रहा है. ठीक है, ये तो इनफैक्ट हमने सुना भी, हम भी रेट सुनते रहते हैं, आज डॉलर की रेट ये चल रही है, आज डॉलर की रेट वो चल रही है. तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो रेट्स वेरिंग होती हैं, हु डिटरमाइंस दीज, राइट? जो रेट चेंज होती है 67 है, 70 है, 80 है, हु डिटरमाइंस दीज. तो इनफैक्ट दो चीज़ें होती हैं जो इनकी रेट्स को फ़र्क पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट को चेंज करती हैं. वन इज़ द गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज़ द मार्केट. ऑल राइट, इसीलिए अब वील स्टडी थ्री कैटेगरीज. तो हम पढ़ते हैं, ये दोनों चीज़ें हमें पता चल गई, ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट को. अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स. इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली अफेक्ट कौन करता है इन रेट्स को. जो ये फ्लक्चुएट होती है, वो बेसिकली डिटरमाइंस. इसमें हमारी तीन कैटेगरीज आती हैं, राइट? तीनों बना लेते हैं, तीन कॉलम. ठीक है, एक है हमारी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ऑल राइट, इसके बारे में और डिस्कस करते हैं. एक है हमारी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. फ्लोटिंग कह देते हैं या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. एंड द थर्ड वन इज मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. तो हमने जो दो पहले फैक्टर्स पढ़े थे, गवर्नमेंट एक तो अफेक्ट करता है एंड एक मार्केट. तो वील सी कि इनमें से किसको कौन सा अफेक्ट करता है. ऑल राइट, तो व्हेन द गवर्नमेंट इंटायरली मेक श्योर कि क्या फॉरेन एक्सचेंज रेट होनी चाहिए हमारे करेंसी की विद रिस्पेक्ट टू दूसरी करेंसी, क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, राइट? सो द गवर्नमेंट प्लेज द मेजर रोल हियर. जैसे अब अगर किसी चीज़ की, जैसे जो फॉरेन करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत स्ट्रांग हो रही है, राइट? मतलब उसकी वैल्यू हमारी करेंसी से बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो क्या करेगा, जो गवर्नमेंट के पास रिजर्व्स होते हैं वो जाके उन्हें सेल कर देगा. तो फॉरेन करेंसी का मतलब सप्लाई बढ़ गया मार्केट में, सप्लाई बढ़ गया तो मतलब उसकी प्राइस कम हो गई. सिमिलरली अगर फॉरेन करेंसी ख़रीद लेते हैं वो, तब जब उसकी वैल्यू वीक हो जाती है, तो
सो द गवर्नमेंट इज देयर टू मेक श्योर कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है वो फिक्स्ड ही रहे. सेकेंड हम देखते हैं फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. इसमें क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट. अब जो मार्केट है दिस इज नॉट अ सिंपल मार्केट जो यू नो यू यूजुअली गो. दिस इज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. दिस इज बेसिकली एन एंटायर सिस्टम. इसमें क्या होता है कि जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसमें फॉरेन करेंसी चेंज एक्सचेंज होती है, वो सारे इस मार्केट में आते हैं. जिससे कोई भी इंडिविजुअल हो गया, फर्म हो गई, एंटरप्राइज, बैंक, कमर्शियल, सेंट्रल, जो भी फॉरेन एक्सचेंज में डील करें वो सारे इसमें आते हैं. इसको हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोल देते हैं. इट इज़ इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो दिस नॉट द सिंपल मार्केट, ये वो वाला मार्केट है जिसमें करेंसीज एक्सचेंज हो, करेंसीज आर एक्सचेंज्ड. तो इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता. इसीलिए जो प्राइसेस सेट होती है फॉरेन एक्सचेंज की, दैट इज सेट बाय मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी. ठीक है, सो इट इंटायरली डिपेंड्स कि कितनी डिमांड है उस करेंसी की, कितनी सप्लाई है. तो ये खुद से फिक्स हो जाती हैं. फिर हम आते हैं थर्ड, विच इज़ मैनेज्ड फ्लोटिंग. मैनेज्ड फ्लोटिंग देखकर ही लग रहा है कि कुछ फिक्स्ड और फ्लोटिंग का कुछ कॉम्बिनेशन है. सो यू नो आई कैन राइट इट इन ब्रैकेट, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड प्लस फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी चीज़ जो होती है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वाली, वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वाली होती है. मतलब मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग ही द प्राइस इज फिक्स्ड. बट देन द गवर्नमेंट फील्स कि उसकी एक टारगेट वैल्यू है, तो वो चाहते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो उस टारगेट वैल्यू के आसपास ही रहे. तो देन द गवर्नमेंट इंटरवीन्स. गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व्स कलेक्ट करता है, इट मेंटेन्स रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो जैसे ही उसे लगता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब कि बहुत स्ट्रांग हो गया हमारा फॉरेन एक्सचेंज, तो देन इट स्टार्ट्स सेलिंग. और अगर उसे लगता है कि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गई है फॉरेन एक्सचेंज की, तो इट स्टार्ट्स बाइंग. इनफैक्ट अगर ये गवर्नमेंट इस चीज़ को इतना ज़्यादा करने लगे कि दूसरी कंट्रीज से अफेक्ट होने लगे, कि दूसरी करेंसी की वैल्यू कम होने लगे, देन दैट इज टर्म्ड डर्टी फ्लोटिंग. ऑलराइट, तो यही हो गया. हमने जो पढ़ा, हमने पहले पढ़ा कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फिर हमने पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फिर हमें पता चला कि एग्जैक्टली ये जो रेट चेंज होती है कैसे कैसे होती है. तो उसके दो फैक्टर्स हैं. और फिर हमने टाइप्स पढ़ लिए. टाइप्स में फिक्स में सिर्फ गवर्नमेंट रोल प्ले करती है, फ्लोटिंग में सिर्फ मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है हमारा, एंड मैनेज फ्लोटिंग में दोनों गवर्नमेंट और मार्केट अफेक्ट करते हैं. ऑलराइट, तो हमने अभी देखा था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. इसके बारे में वी विल स्टडी अ लिटिल फर्दर सो दैट यू नो यू आर अवेयर कि क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ये तो हमें पता चली गया कि दूसरे नेशंस की करेंसीज आर एक्सचेंज्ड हियर. ऑलराइट, तो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन, करेंसीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड. और ये भी हमें पता है कि इट्स एन इंटायर मार्केट, इट्स एन इंटायर सिस्टम. तो उसमें फर्म्स हो सकती हैं आपकी, इंडिविजुअल्स डील कर सकते हैं, ब्रोकर्स हो सकते हैं, कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, सेंट्रल बैंक्स हो सकते हैं. तो जो भी फॉरेन करेंसी में डील कर रहा है वो सब आपके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आ जाते हैं. और इसमें बेसिकली होता क्या है, जो करेंसीज हैं दे आर ट्रेडेड, मतलब एक दूसरे से ट्रेड करेंगे कंट्रीज, कन्वर्ट करेंगी डॉलर्स को रुपीस में, रुपीस को पाउंड्स में एंड ऑल, और एक्सचेंज करेंगे. तो ये हमने पढ़ लिया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में. अब इसके फंक्शंस हैं, तीन सिंपल फंक्शन थे, आई थिंक यू कैन रिमेंबर दम ईजिली. ऑब्वियसली क्योंकि एक्सचेंज कन्वर्ट और ट्रेड हो रहा है, तो यही डिटरमाइन करते हैं एक्सचेंज रेट. मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंगली जो डिमांड सप्लाई है वही डिटरमाइन करेंगे. इसलिए फंक्शन फर्स्ट हो गया, इट डिटरमाइंस एक्सचेंज रेट. सेकेंड हो गया क्रेडिट चैनल. जितने भी पैसे हैं उनके बीच में जो एक्सचेंज है, क्योंकि वो यहीं पे होता है इस मार्केट में, तो इट प्रोवाइड्स क्रेडिट चैनल. फिर थर्ड जो है हेजिंग. हेजिंग एक कह लो स्पेशल फीचर हो सकता है कि जो बायर और सेलर हैं गुड्स के,
और करेंसीज के वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो पहले ही डिसाइड कर लेते कि हम तो इस रेट पे ही करेंगे. तो इन फैक्ट हेजिंग से हमें हेल्पफुल ये हो जाता है कि हमारे जो रिस्क हो जाते हैं कि बाद में तो अभी $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़, बाद में जाके 70 रुपीज़ हो सकता है, तो हम अगर अभी से ही फिक्स कर लें उसके लिए कि आगे जाके हमें यही प्राइस चाहिए, तो हमारे जो फ्लक्चुएशंस के रिस्क होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं. फ्लक्चुएशन रिस्क आर डिक्रीज्ड. तो इसलिए हमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट यही हेल्प करता है कि एक तो एक्सचेंज रेट बता दिया हमें, एक हमें क्रेडिट चैनल बता दिया, और एक हमने बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट पहले कर लिया, विच इज़ नोन एज हेजिंग. ऑल राइट, तो हमें पता चल गया कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है एग्जैक्टली. अब हम देखते हैं कि जो हमने करेंसीज एक दूसरे से एक्सचेंज करी है वो हम एग्जैक्टली करते क्यों हैं. क्यों हमें US की चाहिए करेंसी, क्यों हमें इंडिया की चाहिए, क्यों हमें यूरोप की चाहिए. सो दैट्स व्हाट वी विल सी कि सोर्सेस क्या है हमारे. ठीक है, लेट्स सी सोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, चलो सबसे पहले डिमांड के लिए देख लेते हैं कि हमें कोई और करेंसी क्यों चाहिए. सबसे ऑब्वियस इनफैक्ट ही सारे जितने भी फैक्टर्स मैं बोलूँगी बहुत ऑब्वियस हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. एक हो सकता है हमें परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो हमें कोई बाहर का प्रोडक्ट पसंद आ गया तो उसके लिए तो हम उनकी करेंसी में ही पे करना चाहेंगे ऑब्वियसली, तो उसके लिए भी डिमांड फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी. सेकंड हो गया टूरिज्म. ऑब्वियसली घूमने जा रहे हम दूसरी कंट्री में तो उनके लोकल्स को तो यू हैव टू पे इन देयर करेंसी. फिर एक हो गया हम अगर उन्हें गिफ्ट्स, ग्रांट्स, एड्स, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है तो हम एड्स ही प्रोवाइड करते हैं, तो इन सब को भी आप उनकी ही करेंसी में देना चाहोगे ऑब्वियसली. ठीक है, फोर्थ हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट. कोई भी जैसे इन्वेस्टमेंट करते हो जैसे शेयर्स, स्टॉक्स, इनफैक्ट लैंड भी खरीदी, इसके लिए भी अगर आपने कहीं बाहर ही खरीद रहे हो तो इसके लिए भी यू नीड द फॉरेन करेंसी. और फिफ्थ हो गया एक स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन ऐसा है कि आज मुझे पता है कि $1 इक्वल टू 50 रुपीज़, नहीं जैसे कल तक था $1 इक्वल टू 50 रुपीज़ और आज मुझे दिख रहा है $1 इक्वल टू 70 रुपीज़, तो मैं सोचूंगी इसकी तो रेट बढ़ गई, अब मैं फ़ायदे में ज़्यादा ज़्यादा ले लूँ. मैंने कल ही बहुत ज़्यादा ले लिया तो मुझे लगेगा आज तो मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा. मैं सोचूंगी चलो अच्छा है अब 70 हुआ, अभी 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो मैं वेट करती रहूँगी. इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स बढ़ाती रहूँगी. अब इसमें फ़ायदा भी हो सकता है मेरा, अगर मैंने 70 में फाइनली बेच दिया तो आई माइट अर्न प्रॉफिट, बट ये भी हो सकता है $50 30 में बन जाए तो मेरा लॉस हो जाएगा. तो वही लोग ये स्पेकुलेशन करते हैं जो एकदम शॉर्ट टर्म में गोल, शॉर्ट टर्म में उन्हें एकदम से ज़्यादा पैसे चाहिए, वही स्पेकुलेशन करते हैं कि जैसे ही रेट कम हुई डॉलर की उन्होंने बहुत ज़्यादा खरीद लेते हैं ताकि वो बाद में उससे प्रॉफिट ले सकें. तो स्पेकुलेशन एक्टिविटी ऐसा कह लो कि इट इज़ ऑपोजिट ऑफ हेजिंग. हेजिंग में क्या था कि हम फ्लक्चुएशंस कम करना चाह रहे थे, और इसमें जो है हम फ्लक्चुएशंस जो होते हैं फॉरेन एक्सचेंज में हम उसी का फ़ायदा उठाते हैं. तो फ्लक्चुएशंस आर यू नो यूजफुल, योर फ्लक्चुएशंस को इनफैक्ट एक्सप्लॉइट करते हैं. ठीक है, तो ये हमारी हो गई कि हमें क्यों डिमांड होती है फॉरेन एक्सचेंज की. अब डिमांड हम कर रहे हैं तो सप्लाई जो होगा उसका देखते हैं कि हम सप्लाई क्यों करते हैं फॉरेन एक्सचेंज. किसी फॉरेनर को चाहिए हमारे गुड्स एंड सर्विसेज तो हो गया, तो व्हेन अ फॉरेनर परचेजेस अ गुड्स एंड सर्विसेज तो हम सप्लाई कर देते हैं अपनी करेंसी. टूरिज्म, कोई बाहर का इंसान टूरिज्म करने आता है फॉरेनर तो हम सप्लाई करते हैं. कोई हमारा फॉरेनर फ्रेंड हमें गिफ्ट दे रहे हैं, ग्रैंड्स, एड्स, कजन्स गिफ्ट दे रहे हैं बाहर के,
तो वो हमारा सप्लाई में आ गया, कोई बाहर का इंसान आगे कंपनीज में इन्वेस्ट करे, शेयर, स्टॉक्स, लैंड, वही चीज़, तो वो सप्लाई में आ गया। अब वही बाहर का इंसान हमारी करेंसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करे तो वो स्पेकुलेशन में आ गया। तो फैक्टर्स यही हैं, डिमांड सप्लाई के लिखने का तरीका अलग हो गया, हम कर रहे हैं तो वो डिमांड, बाहर वाला कर रहा है तो वो सप्लाई।